इस ऑब्जेक्ट का मोशन देखूंगा, 1, 2, 3, तो यहाँ पे ज्यादा मोशन मुझे मिल रहा है। और जहां तक लीनियर मोशन है, जहां पर लीनियर मोशन खत्म होता है वही आपका लास्ट की होता है यहाँ पे बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये की लगाया और हल्का सा मैंने इसे डाउन कर लिया, यहाँ पर बिल्कुल मिडल में मैंने रखा जैसा कि मेरे पास यहाँ पे था टच फ्रेम पे, तो मिडल में रखा। अब यहाँ पर भी मुझे देखेंगे आप, यहाँ पर ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए, मेरे पास यहाँ से कर्व जा रही है। तो मैंने यहाँ पर एक ये लिया एंकर पॉइंट टूल प्लस पॉइंट टूल लिया, मैंने यहाँ पर एक टूल लगा दिया, की लगा दिया, और सेम जो पॉइंट है ऐड किया है मैंने पास, वो सेकेंड उसमें भी मेरे पास ऐड हो जाएगा। तो मैंने इसको हल्का सा डाउन करके मैंने ये सीधा उसको यहाँ पर ये दिया, ये मैंने यहाँ रखा और एक बार ऑल्ट करके मैंने उसे बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन का भी मुझे कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं। तो मैंने तीसरे फ्रेम पे आ देता हूँ, 1, 2 और मैंने 3 फ्रेम को सिलेक्ट किया और अब मैं इस मास्क को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके चलूंगा, मैं शिफ्ट और एरो से मैं यहाँ पे पूरा काम कर रहा हूँ। बट मैं क्या देखूंगा, मैं कंसिस्टेंसी देखूंगा कि जो मेरे पास यहाँ पर जो ये जो है वो मेरे पास उसी के बीचों बीच में वहाँ पर उसको फॉलो करे। तो मेरे पास यहाँ पर ये मैंने किया, आगे चलते हैं, यहाँ पर यहाँ तक एक और फ्रेम है वो मैंने इसको भी यहाँ पर सेट कर दिया, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा ये बस मेंटेन रखना है वो गैप। मेंटेन अगर गैप नहीं रखा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे फेदर को जीरो करके भी देख सकते हो, बाद में फेदर आप बढ़ा सकते हो। तो ये मेरे पास आया, नेक्स्ट फ्रेम पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेम का जो की है 1, 2, 3 और ये देखिए एकदम से तेज है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक की और मैं इस की को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। देखिए मैं किसी भी पॉइंट को नहीं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और उसमें शेप में मॉर्फिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चेंज होगी शेप का, डायमेंशन चेंज होगा, मॉर्फिंग नहीं होगी क्योंकि कैरेक्टर एनिमेशन नहीं है। तो यहाँ से मैंने ये लगाया। अब नेक्स्ट फ्रेम में देखिए, अगर मैंने फॉलो नहीं किया था और मैंने डायरेक्ट आगे की लगा दिया था तो ये देखिए यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या काम करूँगा, मैं अभी यहाँ पर इसको मैंने एक फ्रेम यहाँ पे लिया हल्का सा और मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। आगे चेक करते हैं ये ऑटोमेटिकली, लेकिन ये फिर भी मुझे हल्का सा लगता है, मैं हल्का सा यहाँ पे रखूँगा, ये मेरे पास ओके हो गया। आगे चलते हैं, ये मैच है, अब आगे के फ्रेम्स को चलते हैं। देखिए यहाँ तक मेरे पास 2 की फ्रेम्स है। तो हम मोका प्रो से भी इस टाइप का रोटोस्कोपिंग कर सकते हैं, बट आपको जब तक आप ये वाला रोटोस्कोपिंग नहीं करेंगे मैनुअल, तो मोका प्रो में भी आप जितना अच्छा रोटोस्कोपिंग सीख लेंगे तो आप वहाँ पर भी नहीं पकड़ पाएंगे आपके जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या गड़बड़ है। तो मैंने यहाँ पर इसको ये सेट कर दिया, यहाँ पर मेरे पास ये और यही मास्क आपके जब आप 3D टेक्स्ट अगर आप जब देखेंगे, जब मैं अभी आपको 3D टेक्स्ट की लेयर के बारे में जब बताऊंगा तब हम इन्हीं मास्क को यूज करेंगे वहां पर। यहां तक मेरे पास 2 लीनियर मोशन चल रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे मैच है बीच में, बट मुझे फिर भी लग रहा है हल्का सा अंदर होना चाहिए, तो मैंने उसको हल्का सा अंदर किया ये इस तरीके से। ये मैं आपको जो रोटोस्कोपिंग है ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सिखा रहा हूँ, जैसा कि हम प्रोडक्शन में ट्रेनिंग देते हैं ना, ऐसा काम लेते हैं हम प्रोडक्शन में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी अगर मैं ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा होता ना, तो मैं अब तक तो ये करके भी निकाल देता आपका ये वाला पार्ट, मैं बहुत तेज़ी से चलता था। तो यहाँ पर मेरे पास ये हो गया, मैंने सेव कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, यहाँ पे सेव है। यहाँ पे मुझे टाइम पे थोड़ा सा मैच करना है, बीच के फ्रेम देखने हैं कि भाई वो प्रॉपर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, देखेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक ठीक मोशन चल रहा है। तो अब देखिए, मैं ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रेम पे भी मैं की लगाऊँ, मेरा मास मैच होना चाहिए बस, वो मैं यहाँ पे मेन कंसंट्रेशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पर ये ध्यान दे रहा हूँ कि मेरा जो भी मास रहेगा इसके इन बिटवीन में रहेगा, तो वो मैंने यहाँ पर इसको बड़ा कर लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रहेगा, यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मास अंदर था, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। चलिए मैंने 26 फ्रेम कर दिए, यहाँ तक चलते हैं। कंट्रोलाइज करना मत भूलिएगा, मैं चाहता तो तीन कीज ले सकता था वन बाय वन, मैंने नहीं लिया, और बीच का कीज मैं अभी भी सेट कर सकता हूँ।
यहाँ तक एक बार प्ले करके देखते हैं। मैंने एन प्रेस किया और मैं यहाँ पर इसको प्ले कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन में ये प्ले तो हो रहा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है स्क्रीन में से, इस टेबल का पार्ट वही हमें चाहिए। तो ये सब हम कैसे देख पाते हैं, वो हम यहाँ पर ये जो लेयर है इसको ग्रे स्केल करके देख पाते हैं। अब देखिए इस प्रोजेक्ट में अगर मैं कुछ करना चाहूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर मैं इस प्रोजेक्ट में कुछ करना चाहता हूँ, रोटोस्कोपिंग मैंने डन कर लिया और मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को कुछ इफेक्ट्स वगैरह बनाना, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें मैंने रोटोस्कोपिंग करना सिखाया है और भी बैचेस में, बट वो ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा एक प्रोजेक्ट भी है, दिखा देते हैं, एक उनको स्टार्ट किया था एक प्रोजेक्ट, आप लोग भी करोगे ऐसा। एक मिनट होल्ड, मैं इतने इसको ऑन कर देता हूँ, ये अपना काम करता रहेगा और हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, मेरा मास्क है इसको मैंने उसी हिसाब से यहाँ तक। यहाँ तक लीनियर मोशन चल रहा है, मैंने यहाँ पे लीनियर मोशन को ले लिया। देखिए ये जो डेप्थ हम जनरेट करते हैं तभी हम यहाँ पे काम कर पाते हैं। आपको फॉर्म खोल के दिखा देते हैं, देखिए ये रोटोस्कोपिंग बनाया है, बेसिक रोटोस्कोपिंग है। उसको सिखाने के बाद मोका प्रो में रोटोस्कोपिंग कराने के बाद फिर यहाँ पे न्यूक में लेकर आए, फिर वहाँ पे हमने यहाँ पर डेप्थ जनरेशन किया, शेप में यहाँ पर आके कलर ग्रेडिंग दिया, डेप्थ जनरेशन जिसे बोलते हैं, कि जो उनसे दूर है कैमरे से वो ब्लैक रहेगा और जो पास है वो वाइट रहेगा। तो ये जब डेप्थ मैप बन जाता है उसी को ही हम यहाँ पर, अभी तो आपको शायद न्यूक आता है पता नहीं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर एक 3D का कार्ड लिया, जैसा कि आप 3D में लेते हैं अपने माया में, उसी में मैश के ऊपर मैंने ये जो लेयर है रोटो लेयर, यहाँ पर मैंने उसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट बन गया, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, आपकी जो इमेज है वो आपके पास स्क्रीन से बाहर आ गई। स्क्रीन से जैसे ही आपके पास इमेज बाहर आ जाती है उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो देखिए। अब यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब हम स्टीरियोस्कोपिक मूवी देखते हैं तो एक लेफ्ट कैमरा होता है, एक राइट कैमरे से शूट होती है, बट ये जो मूवी शूट हुई है वो किस कैमरे से शूट हुई है, वो सिंगल कैमरा से शूट हुई है। तो मुझे इसकी एक लेफ्ट साइड की थोड़ी सी इमेज है वो चाहिए थी इस तरफ का। तो अभी अगर मैं यहाँ पे 2D में आता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं 2D में यहाँ पर आ जाता हूँ आपके टैप करके, और मैं फाइनल आउटपुट